टैक्स भरने में कोई, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सख्त होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, दो वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दे। तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक्तसादी हालत बेहतर न हो। टूरिज्म 5-6 साल मुतवातर चले, मुसलसल चले, हमारा हॉर्टिकल्चर उसका मार्केट में अच्छी तरह से जाए, ट्रांसपोर्ट उनको अवेलेबल हो टाइम से, वो रुके नहीं, यहाँ मानहाल टनल पे सीधा जाए एम्बुलेंस की तरह, यहाँ हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसके बाद शायद हम इस हालत में होंगे कि हम टैक्स देंगे। सर, जैसे किसी हद तक आपने इन लोगों की काफी मदद की, यहाँ इस वक्त जैसे हम अनंतनाग में है, अब 20,000 लोग इन खदानों में कई सालों से काम करते हैं, गुजरिया नहीं है, नौकरियां नहीं, इनके लड़कों ने MA करके, LLB करके, PhD करके नौकरियां करनी चाहे कि नौकरियां अवेलेबल नहीं है, वो भी इसी भी खदानों में काम करते हैं अपने माँ बाप की तरह, किसान ये मजदूरों की तरह। और अगर हम खदानें भी बंद कर देंगे तो ये 20,000 लोग कहाँ जाए। इसलिए सरकार को थोड़ा लोगों के साथ हमदर्दी करना चाहिए और सोचना चाहिए। सरकार को दफ्तर में बैठ के पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, आवाम के साथ मिलके बात करके पॉलिसी बनानी। सर, जिस तरह से डिमोलिशन ड्राइव जो है रोकी गई है, जिस तरह से आपने भी एक पहल की है, सर, उसके अलावा उस पे जो अभी रोक लगाई गई है, नहीं, वो रोक लगनी चाहिए जी। और हमारी सरकार, मेरी सरकार अगर बनेगी तो वो रोशनी स्कीम दोबारा लागू करेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट का कहना है कि 2024 में जो है कांग्रेस की मिली जुली सरकार आएगी। किसकी? कांग्रेस प्रेसिडेंट का कहना है सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट का कहना है कि 2024 में मिली जुली सरकार आ जाएगी कांग्रेस की। चलो देखेंगे जब 2024 आएगी। सर, फारूक साहब बोल रहे हैं कि हम जो है अभी